एक बार फिर बिहार से जहरीले शराब से जो मौत होती है वो घटना फिर से सामने आ रही है। और ये जो घटना अब की के घटना में बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 16 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीले शराब से। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि अभी नहीं कर पा रही है। वर्तमान में 6 लोगों का नाम सामने आया है जो कि सिवान से है एवं सारण जिला के भी मसरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर से भी एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। जो मृतक है उसके बारे में आगे जानकारी देंगे, लेकिन इस मामले में अभी प्रशासन पुष्टि करने से बच रही है, फिर हम आगे आपको डिटेल्स बताते हैं। जो सारण जिला में मृतक हैं वो मसरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी इस्लामुद्दीन बताए जा रहे हैं। और वहीं 2 व्यक्ति हैं जो कि बीमार अवस्था में हैं और उनके आंखों की रोशनी चली गई है, जो कि मसरक CHC में इलाजरत हैं। वहीं जो सिवान जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मगरी और 22 कट्ठा गाँव से 6 लोगों का नाम सामने आया है जो कौरिया बैसे टोला के हैं। अरविंद सिंह हैं, रामेंद्र सिंह, माघर पोखरा के संतोष महतो, मुन्ना ब्रिजमोहन सिंह और भगवानपुर हाट थाने के माघर निवासी गंगा शाह के पुत्र मोहन शाह हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि मछली की पार्टी हो रही थी और मछली के पार्टी में सभी लोग शराब पिए थे और शराब पीने के बाद जैसे ही रात को किसी व्यक्ति की मौत होती है और 2 व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, फिर पूरा मामला सामने आ जाता है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन के डर से कुछ लोगों का दाह संस्कार प्रशासन के पहुँचने के पहले ही कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन इसमें अलर्ट मोड पे है और उसने वहां पे मेडिकल की टीमें भेज दी है। पुलिस पदाधिकारी जो है वहां पे कैंप कर रहे हैं, इसके साथ ही जांच की जा रही है जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि सन 2016 में बिहार में शराब पूरी तरह से बैन हो जाता है, उसके बाद भी यहाँ पे अवैध रूप से निर्माण का कार्य जारी रहता है और इसके साथ ही जो मिलावटी शराब है उसकी भी होम डिलीवरी की जाती है। जो इब्राहिमपुर का गाँव है जो मसरक थाना क्षेत्र में है वो सीमावर्ती एरिया है जो सिवान जिले से लगता है। अब बताइए कि अगर कहीं पे ऐसी घटना होती है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसमें जिम्मेवारी दोनों पक्षों की बनती है, चाहे पीड़ित पक्ष हो या प्रशासन हो। एक जो है उत्पाद को बनने से रोकने में नाकामयाब होती है और वहीं जो दूसरे हैं जो कि शराब को पीने से बाज नहीं आते हैं। बार बार प्रशासन अलर्ट करती है, उसके बावजूद भी ये लोग जहरीले शराब का किसी न भी किसी प्रकार से सेवन कर ही लेते हैं, जिसके कारण ये परिणाम सामने आया है। अब इसमें प्रशासन जो आंकड़े की पुष्टि करेगी उसका इंतजार रहेगा। हालाँकि ऐसे बताया जा रहा है कि 15 से 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कि 6 लोगों का नाम सिवान से सामने आ रहा है और 1 व्यक्ति का नाम सारण से सामने आ रहा है। बाकी आगे के अपडेट के लिए हम भी इंतजार करेंगे।